हेलो डियर स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। इन प्रीवियस वीडियो वी हैव लर्न अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में जानकारी ली है, तो टुडे हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, डाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन एंड एनिमल्स। देयर आर नंबर ऑफ एनिमल्स एंड देयर इज वास्ट वैरायटी ऑफ एनिमल्स ऑन द अर्थ। अर्थ के ऊपर बहुत से प्रकार के डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स है, फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, दैट इज टर्माइट्स, इंसेक्ट्स। ओके, सो यहाँ पे फर्स्ट हम देखेंगे क्लासिफिकेशन of the animals according to number of cells. According to number of cells, there are two types of animals. First hai unicellulars and unicellular animals, and second multicellular animals. The animals in which there is only one cell, जो जिस एनिमल्स में सिर्फ एक ही सेल होते हैं, पूरा बॉडी फंक्शन एक ही सेल में कंप्लीट होता है, दैट एनिमल्स आर कॉल्ड यूनिसेलुलर एनिमल्स। जैसे कि पूरे प्रोसेसेस, जैसे कि डाइजेशन, एक्सक्रिएशन, रिप्रोडक्शन, ये ऑल प्रोसेसेस जो होते हैं लाइफ प्रोसेसेस, वो एक ही सिंगल सेल में कंप्लीट होते हैं, दैट एनिमल्स आर कॉल्ड यूनिसेलुलर एनिमल्स। और इसके एग्जाम्पल है अमीबा, पैरामेशियम, यूग्लिना, ये जो ऐसे एनिमल्स है, हमें ये नेक्ड आई से, खुली आँखों से हम उन्हें देख नहीं पाते हैं। सो नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ सेल, देयर इज सेकेंड टाइप मल्टीसेलुलर एनिमल्स। द एनिमल्स हैविंग मल्टी सेल्स, मल्टी मीन्स बहुत ज़्यादा सेल्स जिनमें होते हैं, दैट ऑल एनिमल्स आर इंक्लूडेड इन मल्टी सेलुलर एनिमल्स। ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स है अकॉर्डिंग टू, देयर इज फोर टाइप्स ऑफ एनिमल्स अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ सेल, अकॉर्डिंग टू वर्टिबल कॉलम, अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड अकॉर्डिंग टू हैबिटेट। तो इस तरह से फोर टाइप्स के एनिमल्स आज हम इनकी स्टडी करेंगे। तो मल्टीसेलुलर एनिमल्स में है हैविंग मेनी सेल्स, फॉर एग्जांपल मैन, फिश, फ्रॉग, क्रैब, बर्ड्स, दीज आर ऑल इंक्लूडेड इन मल्टीसेलुलर एनिमल्स। सो ऑल बॉडी फंक्शंस इज परफॉर्म बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज एंड ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम। और इसमें जो इस तरह के जो एनिमल्स होते हैं, उनके लाइफ प्रोसेस जो होते हैं, वो सेल्स से टिश्यू से ऑर्गन, और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और ये ऑर्गन सिस्टम से पूरा जो बॉडी का जो फंक्शन है, वो ऑर्गन सिस्टम से चलता है। जैसे अलग अलग टाइप के ऑर्गन सिस्टम होती है, जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेशन सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अलग अलग टाइप के सिस्टम्स इन मल्टीसेलुलर एनिमल्स में होते हैं, और ये वेल डेवलप्ड एनिमल्स होते हैं। देन सेकंड टाइप है अकॉर्डिंग टू वर्टिबल कॉलम, मीन्स द एनिमल्स हैविंग वर्टिबल कॉलम। जिस एनिमल्स में वर्टिबल कॉलम होता है, दैट ऑल एनिमल्स इंक्लूडेड इन वर्टिबल एनिमल्स। फॉर इसके जो एग्जाम्पल है वो है फिश, जिसमें वर्टिबल कॉलम मीन्स जिसके पीठ की रीब जो होती है वो उनमें प्रेजेंट होती है, जैसे कि ऑल मैमल्स और ह्यूमन बीइंग्स, फिश, बर्ड्स आर इंक्लूडेड इन वर्टिबल एनिमल्स। तो ये पूरे वर्टिबल एनिमल्स में इंक्लूडेड होते हैं।
एंड देन सेकंड है एनिमल्स विच डू नॉट हैव वर्टिबल कॉलम. तो ऐसे कुछ एनिमल्स है जिसमें वर्टिबल कॉलम पूरी तरह से अब्सेंट होता है. दैट ऑल एनिमल्स इंक्लूडेड इन इनवर्टिब्रेट एनिमल. फॉर एग्जाम्पल अर्थवॉर्म, स्टार फिश, ये जो एनिमल्स है इनमें वर्टिबल कॉलम पूरी तरह से अब्सेंट होता है. सो दे आर इंक्लूडेड इन इनवर्टिब्रेट एनिमल्स. देन नेक्स्ट टाइप है अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देयर आर टू टाइप्स ऑफ एनिमल्स, दैट इज ओविपरस एंड विविपरस. ओविपरस एनिमल्स मीन्स द एनिमल्स दैट ले एग्स. जो एनिमल्स एग देते हैं, अंडे देते हैं, दैट ऑल एनिमल्स इंक्लूडेड इन ओविपरस एनिमल्स. फॉर एग्जाम्पल स्नेक्स, बर्ड्स, ये जो कुछ एग्जाम्पल है वो क्या करते हैं, अंडे देते हैं. तो दैट्स वाई दे आर इंक्लूडेड इन ओविपरस एनिमल्स. ओ मीन्स ओ से आपको याद रखना है, ओ मीन्स गोल क्या होता है, एग. जो एग देते हैं वो ओ वाले मीन्स ओविपरस, ऐसा आपको याद रखना है. देन नेक्स्ट टाइप है विविपरस. तो विविपरस मीन्स द एनिमल्स गिविंग बर्थ टू यंग वंस. जो एनिमल्स यंग वंस को बर्थ देते हैं, दैट ऑल एनिमल्स इंक्लूडेड इन विविपरस एंड दैट इज ऑल्सो कॉल्ड मैमल्स. और ये जो मैमल्स होते हैं, मैमल्स मीन्स द एनिमल्स विच यंग वंस फीड ऑन द मिल्क. जिनके यंग वन जो होते हैं, छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, वो दूध के ऊपर डिपेंड होते हैं, ऐसे एनिमल्स को हम मैमल्स कहते हैं. उसमें हम भी इंक्लूड हैं, पूरे जो ह्यूमन बींग्स है वो मैमल्स में आते हैं. बैट, कैट, डॉग, ये क्या करते हैं, गिविंग बर्थ टू यंग वंस. सो दे नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, तो अभी हमने देखा था ओविपरस एंड विविपरस. देन अकॉर्डिंग टू हैबिटेट. अकॉर्डिंग टू हैबिटेट देयर आर फोर टाइप्स ऑफ एनिमल्स. फर्स्ट है टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, द एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड फॉर देयर सर्वाइवल. जो उनके सर्वाइवल के लिए लैंड पे रहते हैं, दैट ऑल एनिमल्स इंक्लूडेड इन टेरेस्ट्रियल एनिमल्स. तो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में ऐसे एनिमल्स इंक्लूडेड है जो लैंड पे, उनका पूरा लाइफ साइकिल वो लैंड पे ही होता है, तो उसे बोलते हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल्स. फॉर एग्जाम्पल डियर, लायन, ये कुछ ऐसे एनिमल्स है जो लैंड पे ही उनका पूरा लाइफ प्रोसेस होता है. देन नेक्स्ट है एक्वेटिक एनिमल्स, द एनिमल्स दैट लिव इन वाटर फॉर देयर सर्वाइवल. जो एनिमल्स उनके सर्वाइवल के लिए सिर्फ पानी में रह सकते हैं, दैट ऑल एनिमल्स इंक्लूडेड इन एक्वेटिक एनिमल्स. एग्जाम्पल्स स्टार फिश, डॉल्फिन, फिशेस, ये जो पूरे एनिमल्स है वो पूरे एनिमल्स कहाँ पर किस में रहते हैं, वाटर में रहते हैं. वाटर मीन्स पानी में जो भी एनिमल्स रहते हैं उन्हें बोलते हैं एक्वेटिक एनिमल्स. एक्वा मीन्स पानी. तो इस एक्वा शब्द से आपको जल्दी से समझ में आना चाहिए, एक्वेटिक मीन्स जो पानी में रहते हैं. देन नेक्स्ट है एम्फीबियंस. तो एम्फीबियंस मीन्स ऐसे एनिमल्स दैट लिव इन वाटर एज वेल एज ऑन लैंड एंड रेस्पायर एट बोथ द प्लेसेस. जो ऐसे एनिमल्स जो लैंड पे भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं, और उनका जो रेस्पायरेशन जो प्रोसेस होता है वो दोनों में अच्छी तरह से होता है, वो एनिमल्स किस में इंक्लूडेड होते हैं, एम्फीबियंस में. फॉर एग्जाम्पल टोड, सेलेमंडर, फ्रॉग,
ये दोनों जगह पे रहते, दैट इज लैंड एंड वाटर. देन नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू हैबिटेट में नेक्स्ट क्या है, देखो एरियल एनिमल्स. एरियल एनिमल्स तो अकॉर्डिंग टू हैबिटेट, एरियल एनिमल्स मीन्स दिस एनिमल्स दैट इज सर्वाइव इन एयर मीन्स हवा में जो उड़ सकते हैं. ऑल एनिमल्स आर इंक्लूडेड इन एरियल एनिमल्स. फॉर एग्जाम्पल काइट, ईगल, क्रो, बटरफ्लाई, हनी बी ऑल फ्लाई इन द एयर. जो एनिमल्स फ्लाई कर सकते हैं, द एनिमल्स दैट फ्लाई इन एयर दे आर इंक्लूडेड इन एरियल एनिमल्स. तो ये पूरे एरियल्स एनिमल्स में इंक्लूडेड होते हैं. एंड इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड आवर थर्ड चैप्टर, दैट इज डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर क्लासिफिकेशन. तो इस तरह से हमने ये थर्ड चैप्टर कंप्लीट किया है. आई होप यू अंडरस्टूड ऑल दीज कंसेप्ट्स ऑफ दिस चैप्टर. थैंक यू.